सो हे एवियंस, मैं व्याम। होप करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज को हम बात करने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही बड़ी दुखद न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा न्यूज नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा आपको चिंता हो जरूर हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या वो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, तो गाइस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई जो है महंगी हो सकती है। जी गाइस, ये कंफर्म इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से न्यूज निकल के आ रही है। ठीक है, कि आपका जो पढ़ाई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो फीस वगैरह लगती है, वो पढ़ाई जो है महंगी हो सकती है। आइए देखते हैं क्यों ये महंगी हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को रिकरिंग नॉन सैलरी हेड का 40% बजट कम कर दिया है। जी गाइस, ये एक जो है ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि UGC ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिकरिंग नॉन सैलरी हेड का 40% बजट कम कर दिया है। ठीक है, UGC के इस कदम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं और कई महत्वपूर्ण मदों पर खर्च को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को अब अपने स्रोतों से धनराशि जुटानी होगी। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई वहां दे दूंगा। ठीक है, और यहां तक देख लियो तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपको लेटेस्ट जितनी भी न्यूज निकलेगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा ऑफिशियल तरीके से बताऊँ, कोई गलत आपको न्यूज नहीं बताऊंगा। ठीक है, UGC ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि रिकरिंग नॉन सैलरी फंड का 40% बजट घटाया गया है। इस मत से बिजली का बिल, जलकर, गृहकर, सुरक्षा, गेस्ट फैकल्टी, बिल्डिंग मरम्मत एवं रख रखाव, पुस्तकालय के जनरल एवं किताब आदि की खर्च पूरे करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब जो है अपने स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाने वाला है। ठीक है, इस कटौती के बाद विश्वविद्यालय को अब इन खर्चों के लिए अपने आंतरिक संसाधन जुटाने होंगे। पिछले कुछ वर्षों से UGC लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि विश्वविद्यालय को ये खर्च अपने आंतरिक आय के स्रोतों से पूरे करने चाहिए। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आएगा गाइस, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नई किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।